अकेडमी, द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन नागपुर फॉर जेईई नीट। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार USBRL परियोजना की प्रगति देखने के लिए आज कश्मीर घाटी में चिन्नाब पुल पर पहुंची। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी सहित USBRL परियोजना के वरिष्ठ रेलवे अधिकारी उपस्थित थे। USBRL परियोजना के अधिकारियों ने रेल मंत्री को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब और परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। माननीय मंत्री ने काम की प्रगति देखने के लिए चिनाब पुल और USBRL परियोजना की सुरंगों का ट्रॉली निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। माननीय मंत्री ने विभिन्न चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों के अलावा इस परियोजना में शामिल सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और कर्तव्य के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। वैष्णव ने कहा कि शेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री ने पूरे भारत में उच्चतम रेलवे पुल पर निर्बाध नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रदर्शन करते हुए जोनल मुख्यालयों में बैठे प्रमुख मेट्रो साइट्स मीडिया कर्मियों के साथ भी बातचीत की। इस कार्यक्रम में देश भर में मीडिया कर्मी प्रत्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के जोनल कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बिलासपुर के मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। ज्ञात हो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग से दुर्ग जमुतवी एक्सप्रेस और दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस जम्मू एवं कश्मीर राज्य जाती है। इस ब्रिज के बनने से श्रीनगर और उससे आगे जाना आसान हो जाएगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह इस ब्रिज के बनने से वर्तमान में लगने वाला 10 घंटे से अधिक का सफर लगभग 3 घंटे का हो जाएगा। लोगों को इससे श्रीनगर और उससे आगे के पर्यटन स्थल जाने में आसानी होगी और पूरी कश्मीर घाटी संपूर्ण देश के रेल नेटवर्क से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएगा। माननीय मंत्री ने कहा कि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन के साथ साथ आर्थिक रूप से भी वस्तुओं की आवाजाही बढ़ने से पूरे अर्थव्यवस्था में एक गायात्मक सुधार होगा। जियो से 300 Mbps इंटरनेट बैंडविड्थ, 100 Mbps एयरटेल इंटरनेट नेटवर्क, 100 Mbps BSNL इंटरनेट के साथ साथ सलाल से OFC केबल पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब नदी पर वीडियो और ऑडियो की व्यवस्था की गई। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये जो लाइन, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टनल्स, बड़े बड़े ब्रिज सब आए हैं। ये प्रोजेक्ट भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इंजीनियरिंग का एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज है ये ब्रिज और ये टनल्स। इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये साइंटिफिक एक्टिविटी का एक हाईली साइंटिफिक प्रोन एरिया है। इसकी फाउंडेशन जो बनानी होती है उस फाउंडेशन पर बहुत ही विशेष ध्यान रखा जाता है। आप ब्रिज की जो इस तरफ का जो फाउंडेशन देख रहे हैं, ये फाउंडेशन अपने आप में आधे फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इस ब्रिज में करीब 28,000 टन स्टील का उपयोग हुआ है। स्ट्रेंथ देने के लिए और विशेषकर सीस्मिक एक्टिविटीज से स्ट्रेंथ देने के लिए इसमें बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी के डेविडेंट पास का उपयोग। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज, नागपुर। And get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call